नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। मुरादाबाद में GRP ने फरार 40,000 का इनामी पकड़ा। गुरुवार को GRP थाने में पुलिस अधीक्षक रेलवे आशुतोष शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर इसका खुलासा किया, जिसमें बताया गया कि फरार 40,000 का इनामी आरोपी पकड़ा गया है। ये पिछले 15 साल पहले चांदपुर में ट्रेन से कूदकर फरार हो गया था। यह अपनी पहचान छुपाकर दिल्ली में सुरक्षा गार्ड की नौकरी कर रहा था। GRP ने इसकी बहन के मोबाइल के सहारे पकड़ा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2008 से फरार चल रहे हत्या और दहेज उत्पीड़न के फरार आरोपी राजीव को दिल्ली से पकड़ लिया। इस पर कई मुकदमे भी दर्ज है। इसकी गिरफ्तारी GRP के लिए बड़ी सफलता है। पुलिस ने मुरादाबाद शहर कोतवाली क्षेत्र के टाउन हॉल निवासी राजीव उर्फ राजू को दहेज उत्पीड़न के मामले में देहरादून से तिलक नगर स्थित रोहिणी दिल्ली कोर्ट में पेश करना था। इसको मसूरी एक्सप्रेस से पुलिस ले जा रही थी। यह आरोपी लघु शंका को कहकर चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गया था। देहरादून की जेल में एक हत्या के मामले में बंद था। उन्होंने बताया कि फरार होने के बाद ये करीब 6 महीने मुजफ्फरनगर में अपने दोस्त के घर रह रहा और फिर काम की तलाश में कानपुर चला गया। इसने वहां के बाद रामनगर उत्तराखंड में जूते की फैक्ट्री में काम किया और वहां से मुंबई चला गया। ये वहां से 2010 में दिल्ली आ गया और अपना नाम विवेक दास पुत्र शंकर दास निवासी मकान नंबर 202 नियर सेंट जॉन पब्लिक स्कूल पर मैदान गली थाना मेहरौली दिल्ली बदल कर रह रहा था। इसके बाद से वह G4S सुरक्षा कंपनी में गार्ड की नौकरी कर रहा था। फरार होने के बाद मुरादाबाद GRP थाने में मुकदमा दर्ज था। इसे पकड़ने में GRP थाना प्रभारी राजन शर्मा, उप निरीक्षक मनोज पवार, अर्दश खान, राजीव कुमार, तेजेंद्र सिंह, कुलदीप कुमार, वैभव कुमार, अरुण सिंह रहे। एक अपराधी हमारे यहाँ 2008 में फरार हुआ था। ये राजीव नाम है इसका और यही कोतवाली क्षेत्र मुरादाबाद का रहने वाला है। देहरादून में ये हत्या के मुकदमे में जेल में बंद था और एक मुकदमा इसका दहेज उत्पीड़न का नई दिल्ली में अपनी पत्नी के साथ चल रहा था। वहीं पे पेशी के लिए इसको ले जाया जा रहा था। तो चांदपुर के पास में ट्रेन स्लो होने पर इसने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया और चलती ट्रेन से कूद गया था। तो 2008 में इसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया था। तब से ये फरार चल रहा था। इसके ऊपर 40,000 रुपये का इनाम घोषित था। इसकी गिरफ्तारी के लिए हमने टीम लगा रखी थी, जिसमें मनोज पवार उप निरीक्षक हैं, इंस्पेक्टर साहब और उनकी टीम और सर्विलांस देखने वाले जो यहाँ पे अरशद हैं, उन लोगों ने काफ़ी मेहनत से इसकी लोकेशन ट्रेस की। दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था, वहीं से इसको कल रात में गिरफ्तार किया गया है। हाँ, इसके ऊपर हत्या का मुकदमा है देहरादून से। इसके अलावा नई दिल्ली में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा है और यहाँ कोतवाली मुरादाबाद से इसके ऊपर GRP में एक 223-224 जो फरारी का मुकदमा था वो है। 3 मुकदमे इसके ऊपर है। ठीक।